वेलकम बैक वंस अगेन फ्रेंड हमारे इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है त्रिशांत एकेडमी। दोस्तों मैं आज आपका विषय सर लेके आया हूँ रीजनिंग का वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक और मोस्ट स्कूलिंग टॉपिक भी है ये। दोस्तों रीजनिंग का टॉपिक है ये डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। जी हाँ, ये डिस्टेंस एंड डायरेक्शन मतलब दूरी और दिशा, ठीक है। ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि बहुत ही इजी है, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है और बहुत ही स्कोरिंग भी है, क्योंकि अगर आपको ये नॉलेज हो गई कि हम किससे कितने दूर हैं और किस दिशा में हैं, तो डेफिनेटली आपके लिए ये टॉपिक तो बहुत इजी हो जाएगा, है ना। तो इसलिए मैं ये टॉपिक लेके आया हूं, क्योंकि आपका अगर इजी टॉपिक में कॉन्फिडेंस बिल्ड है और प्रैक्टिस अच्छी है तो आप डेफिनेटली अच्छा स्कोर कर सकते हैं, है ना। तो चलिए दोस्तों टॉपिक स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए टॉपिक का नाम क्या है, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। मतलब डिस्टेंस मतलब होता है दूरी और डायरेक्शन मतलब होता है दिशा। मीन्स दैट कि इसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि कौन सी चीज किससे कितनी दूर है और किससे कितनी पे किस दिशा में है, ठीक है। उससे पहले मैं आपसे ये डिस्कस करना चाहता हूं कि क्या आपको डायरेक्शन के बारे में पता है कि व्हाट आर द डायरेक्शंस, दिशा क्या होती है, कितनी प्रकार की होती है। दोस्तों देखिए हमारे मतलब रीजनिंग में वैसे तो नॉर्मल तौर पर डायरेक्शन मेजर डायरेक्शन, ठीक है। मेजर डायरेक्शन कितनी होती है, मेजर डायरेक्शंस होती है दोस्तों फोर, ठीक है। चार मेजर डायरेक्शंस होती है, कौन कौन सी। पहली होती है दोस्तों साउथ, ठीक। फिर होती है नॉर्थ, ठीक। फिर होती है आपकी क्या, ईस्ट, ठीक। फिर होती है आपकी वेस्ट। ये होती है दोस्तों चार मेजर डायरेक्शंस, कौन कौन सी। साउथ मतलब बोलते हैं दक्षिण, नॉर्थ मतलब बोलते हैं उत्तर, ईस्ट मतलब बोलते हैं पूर्व और वेस्ट मतलब बोलते हैं पश्चिम। तो ये चार दिशाएं हैं कि साउथ नॉर्थ ईस्ट वेस्ट। अगर मैं इसको पिक्टोरिकल डायग्राम में मतलब डायग्राम के थ्रू इसको बताऊं तो कैसे बताएंगे दोस्तों, ये हम बनाएंगे प्लस। क्या बनाते हैं, प्लस। दोस्तों आपने मैथ्स में कार्टेशियन प्लेन सुना होगा, है ना। कार्टेशियन प्लेन होता है जिसमें हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रीज डील करते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस माइनस एक्स एक्सिस प्लस वाई एक्सिस माइनस वाई एक्सिस, सारी चीजें डील करते हैं। दोस्तों डेफिनेटली इसमें भी हम वही कार्टेशियन प्लेन यूज करेंगे, इसका नाम कार्टेशियन प्लेन नहीं होगा, बस जस्ट एक हमने सिंबल बनाया है, ठीक है। इसको हम एरो दे देंगे यहां 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 और यहां। दोस्तों ये जो हमारे राइट हैंड साइड पे जो हाथ है, मतलब जो हमारा राइट हैंड साइड पे हाथ है और इस सेंटर पॉइंट से जो राइट हैंड साइड पे जा रहा है वो दोस्तों होगा ईस्ट, ठीक है। ईस्ट इसके ठीक अपोजिट होता है वेस्ट, ठीक है। और अगर हम ईस्ट में है और ये वेस्ट है दोस्तों, तो जो हमारा पैर है नीचे पैर की तरफ वो क्या है, नॉर्थ है, ठीक है। ये हो गया नॉर्थ। अब दोस्तों इसके जस्ट हमारा जो सर है वो किस कहां पे है, सॉरी एक गड़बड़ हो गई। ये जो ये है इसको बोलते हैं साउथ, ठीक है। ये नीचे है इसको बोलेंगे साउथ, ठीक। और ये अपर वाले को बोलेंगे नॉर्थ, ठीक। तो ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ऊपर वाला नॉर्थ है, नीचे वाला क्या है, साउथ है। दोस्तों ये तो आपको मतलब पहले से ही पता है, लेकिन मैंने आपको पिक्चर के फॉर्म में बता दिया तो ये आपके और दिमाग में एक इमेज टाइप का बन गया है, ठीक है। यहां तक बात क्लियर होगी दोस्तों। अब अगर बात करते हैं कि फोर मेजर डायरेक्शंस तो हमें पता चल गए, ठीक है। मैं पूछ लूंगा कि अगर आपको मैंने बता दिया कि ईस्ट है यहां पे, आप बचे तीन डायरेक्शंस आप बता सकते हैं कि वेस्ट कहां होगा, साउथ कहां होगा, नॉर्थ कहां होगा, ये सब आपको पता है। लेकिन दोस्तों हमारा रीजनिंग में ये जो डिस्टेंस डायरेक्शन है वो इतना इजी तो नहीं होगा, क्यों, क्योंकि आप लोग ग्रेजुएट हैं, कोई कोई पोस्ट ग्रेजुएट होंगे, एग्जाम देने जा रहे हैं, वो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम देने आ रहे हैं, कॉम्पिटिशन को थोड़ा सा टफ करते हैं। कैसे दोस्तों, ये फोर मेजर डायरेक्शन के बाद हमारा आता है क्या, अगर मैं इसको रब कर दूं तो फोर मेजर डायरेक्शन के बाद आता है हमारा सब डायरेक्शन, ठीक है। सब डायरेक्शन आता है दोस्तों, फोर मेजर डायरेक्शन पर आता है सब डायरेक्शन, वो भी कितने होते हैं, फोर होते हैं। अब दोस्तों जो सब डायरेक्शंस हैं उस सब डायरेक्शन को पढ़ने के लिए कैसे हमें क्या करना है, मतलब कैसे जानना है। देखिए दोस्तों यहां क्या लिखा है, सब डायरेक्शन मीन्स दैट हमारे पास डायरेक्शंस हैं, वी हैव ऑलरेडी अ फोर मेजर डायरेक्शंस, ठीक है। उसी से चार ही फिर से चार सब डायरेक्शंस भी आएंगे, कैसे आएंगे वो देखिए। आपके पास क्या है, ईस्ट है, ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है। तो यहां देखिए इस क्वाड्रेंट में, इस क्वाड्रेंट में, इस क्वाड्रेंट में, इस क्वाड्रेंट में, चार क्वाड्रेंट में हम एक छोटी छोटी लाइन बना देंगे, ठीक है। ये छोटी छोटी लाइन बना रहे हैं हम, मतलब जो बड़ी लाइन है हमारी ये बड़ी लाइन है, मीन्स दैट ये वन, ये टू, ये थ्री
और ये हमारा फोर। ये तो दोस्तों 1 2 3 4 क्या हो गए, फोर मेजर डायरेक्शंस हो गई। अब जो छोटे लाइन बना रहा हूं मैं, इसको लिखूंगा 1 डैश, ये लिखूंगा 2 डैश, इसको लिखूंगा 3 डैश और इसको लिखूंगा 4 डैश। दोस्तों हमारा 1 डैश 2 डैश 3 डैश और 4 डैश ये हो गया हमारा सब डायरेक्शन। ठीक है, क्या हो गया सब डायरेक्शन। अगर मैं यहां पे लिखूं 1 2 3 और 4, ये दोस्तों हो गया मेजर डायरेक्शन। मेजर डायरेक्शन आप जानते हैं, मैंने लिखा हुआ है ऑलरेडी, आप देख लिए। नॉर्थ, ये हो गया हमारा ईस्ट। थर्ड नंबर पर आ गया हमारा साउथ, ठीक, और फोर्थ नंबर पर आ गया हमारा वेस्ट। ठीक है, ये चीज तो आपको समझ में आ गया। अब इसका, अब देखिए जो 1 डैश है, 2 डैश है, 3 डैश है, वो 4 डैश है। ये 1 डैश किसके किसके बीच में है, ये 1 और 2 के बीच में आता है। ठीक है, किसके किसके बीच में आ रहा है, 1 और 2 के बीच में आता है। तो दोस्तों इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा दोस्तों नॉर्थ ईस्ट। क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट। अब दोस्तों ये जो है जो 2 डैश है वो किसके किसके बीच में आ रहा है, 2 और 3 के बीच में आ रहा है ना, 2 और 3 के बीच में आ रहा है। दोस्तों इसका नाम क्या होगा, साउथ ईस्ट। समझ में आ रहा है। अब जो दोस्तों 3 डैश है वो किसके किसके बीच में आ रहा है, वेस्ट और साउथ के बिटवीन में आ रहा है। ठीक है, तो इसका क्या नाम होगा, 3 डैश मतलब साउथ वेस्ट। ठीक, अब जो दोस्तों 4 डैश है वो किसके बीच में आ रहा है, वो आ रहा है वेस्ट में और नॉर्थ के बीच में, तो इसका क्या नाम होगा, नॉर्थ वेस्ट। अब दोस्तों मैंने एक चार जो सब डायरेक्शनल है इतना डिटेल में क्यों बताया, आपने एक चीज गौर की, अगर जो बच्चा गौर कर रहा होगा एक ही चीज मेरे वर्ड्स को, वो समझ रहा होगा। क्या समझा, कि जब भी मैं इन सब डायरेक्शंस के नाम बता रहा हूं आपको, तो मैं हमेशा बोल रहा हूं नॉर्थ ईस्ट, फिर बोल रहा हूं साउथ ईस्ट, फिर बोल रहा हूं साउथ वेस्ट, फिर बोल रहा हूं नॉर्थ वेस्ट। तो दोस्तों जो ईस्ट और वेस्ट है मैं उसको प्रोनाउंस कर रहा हूं बाद में, और जो साउथ और नॉर्थ और साउथ है इसको पहले प्रोनाउंस कर रहा हूं। दोस्तों यही चीज ध्यान देनी है आपको, जब भी कोई सब डायरेक्शन का नाम लेना होता है तो हमें ईस्ट और वेस्ट पहले नहीं बोलना है, जो अबव है और जो बिलो है इसका नाम पहले लेना है। मीन्स दैट आप समझ रहे हैं कि अगर मेरे को 3 डैश बोलना है दोस्तों, मैं ये नहीं बोलूंगा कि वेस्ट साउथ, ना, मैं बोलूंगा साउथ वेस्ट। ठीक है, अगर मेरे को ईस्ट बोलना है तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि ईस्ट, सॉरी 2 डैश बोलना है तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि ईस्ट साउथ, मैं बोलूंगा साउथ ईस्ट। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रोनंसिएशन का भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, आप कोई भी क्वेश्चन देख लीजिए, या कहीं पे भी आप कोई ऑफलाइन क्लासेस भी ले रहे होंगे, या ऑनलाइन क्लासेस में भी यूट्यूब पे किसी भी फैकल्टी के मुंह से सुनेंगे, तो आप यही सुनेंगे कि नॉर्थ ईस्ट हो रहा है, साउथ वेस्ट हो रहा है। कभी ऐसे नहीं सुनेंगे कि ईस्ट साउथ में जा रहा है, ईस्ट नॉर्थ में जा रहा है, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, चलिए हम उसका फटाफट नाम लिखते हैं। आप, मैं नाम लिखूंगा यहाँ पे, आप उसको प्रोनाउंस कीजिएगा कि ये क्या होता है। ठीक है दोस्तों, पहला वाला है नॉर्थ ईस्ट, ठीक, ये है साउथ ईस्ट, ठीक, फिर ये है दोस्तों साउथ वेस्ट, और फोर्थ वाला है नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, तो आप देख सकते हैं हमारे पास कॉम्बिनेशन है, नॉर्थ के 2 हैं, साउथ के 2 हैं, एक है ईस्ट ईस्ट, एक है वेस्ट वेस्ट। इतना चीज क्लियर हो गया दोस्तों। अब आपके पास, अब मैं अगर पूछूंगा आपसे कि आपने रीजनिंग में डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, अभी डिस्टेंस हटा दीजिए, डायरेक्शंस आपने अभी तक डायरेक्शंस पढ़ ली है, मतलब बेसिक पढ़ लिया डायरेक्शन का, तो ये बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं ये चीज कि ये बताइए दो फ्रेंड्स की डायरेक्शन कितने टाइप की होती है, तो आप फटाफट ये बोलेंगे नहीं, डायरेक्शन 4 टाइप की नहीं होती है, डायरेक्शन होती है 8 टाइप्स की, 4 होती है मेजर डायरेक्शन और 4 होती है सब डायरेक्शनल्स। ठीक है, जो सब डायरेक्शंस होती हैं वो मेजर डायरेक्शन से बन के आती हैं। इतनी चीज क्लियर। अब देखिए बात आती क्या, ये हो गया, मैं रब करूं, अब दोस्तों बात आती है मूवमेंट की। ठीक है, किसकी बात आती है दोस्तों, मूवमेंट की। मूवमेंट की बात आती है दोस्तों, कोई भी एक पर्सन है, ठीक है, कोई भी एक पर्सन है, जब क्वेश्चन जो हमें रीजनिंग में दे रखा रहता है वो दे रखा रहता है कि पर्सन मूव फ्रॉम द सर्टेन पॉइंट टू सर्टेन डायरेक्शन इन दिस मेजरमेंट और दिस मेजरमेंट। दोस्तों हमेशा आप ध्यान रखिए कि कोई भी पर्सन है, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन आता है कि इफ अ पर्सन मूव फ्रॉम अ सर्टेन पॉइंट
टू 5 किलोमीटर वेस्ट। ठीक, ये एक छोटा सा, मतलब मैं आपको क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं, मैं सबको समझा रहा हूं। यहां पे क्या लिखा हुआ है कि इफ अ पर्सन मूव फ्रॉम अ सर्टन पॉइंट टू 5 किलोमीटर वेस्ट, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि एक कोई बंदा है, मतलब एक पर्सन है, एक कोई आदमी है या औरत जो भी है, वो एक सर्टन पॉइंट से मूव कर रहा है 5 किलोमीटर ईस्ट की तरफ। अब दोस्तों हमें डायरेक्शन के बारे में पता है, हमें पता है कि ईस्ट कहां होगा, वेस्ट कहां होगा, नॉर्थ कहां होगा, साउथ कहां होगा, फिर सब डायरेक्शन भी पता है। तो हम फटाफट क्या करेंगे, सर्टन पॉइंट नहीं दे रखा है तो हम एक पॉइंट बनाएंगे, उसको दे देंगे ए नंबर, या ए नंबर से वो ईस्ट की तरफ मूव, वेस्ट की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है, सर्टन पॉइंट 5 किलोमीटर वेस्ट, ठीक है। तो यहां से हमारा एक अबव होगा, एक इधर होगा, ठीक, एक इधर होगा और एक इधर होगा, ठीक है। तो इसने क्या बोला, वेस्ट, तो फटाफट यहां पे ई डब्ल्यू एन और एस बना लीजिए, वेस्ट बोला है तो वेस्ट की तरफ 5 किलोमीटर, ठीक है, ऐसे करके आप बना सकते हैं। ए यहां पहुंच गया, यहां था पहले, अब यहां हो गया, ये इसकी ओरिजिनल पोजीशन थी, ये इसकी मूवमेंट के बाद की पोजीशन है, ठीक है। तो आप जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आता है स्टार्टिंग करने के लिए, आप क्वेश्चन में एक अज्यूम कीजिए पॉइंट, अगर क्वेश्चन में पॉइंट दे रखा है तो वेल एंड गुड, वहां पे पॉइंट ए मार्क कर लीजिए, नहीं दे रखा सर्टेन पॉइंट पर तो अपने आप ही अज्यूम कर दीजिए कि एक पॉइंट यहां पे है, अब पर्सन का नाम ए है, पहले वो यहां था अब वो यहां मूव कर गया। और जरूरी ये है आपको फ्रेंड्स कि यहां पे डिस्टेंस जरूरी है लिखना, नहीं तो बाद में कंफ्यूजन हो जाएगी। यहां तक बातें क्लियर हो गई, अब मैं मूव करता हूं डिस्टेंस, डिस्टेंस के साथ में, ठीक है। अब देखिए दोस्त, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस आप जानते हैं कि सर्टन मेजरमेंट, मतलब मेजरमेंट बिटवीन द टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स के बीच में जो मेजरमेंट है, जो दूरी है, उसको हम डिस्टेंस कहते हैं। नॉर्मल तौर पे मैं पूछूं कि आप यहां पे हो, आप अपने घर से चल के आए हो, अब हाँ मैं बहुत काफी चल के आया हूं, बोलोगे ना मेरा घर बहुत दूर है, मैं आपके पास आया हूं बहुत दूर, मतलब बहुत ज्यादा चल के आया हूं, मैं पूछूंगा कितना, बोलोगे सर अप्रोक्सीमेट 5 किलोमीटर, हो गया ना डिस्टेंस। मीन्स दैट कि किसी एक पॉइंट से किसी आप दूसरे पॉइंट पर जा रहे हैं तो सर्टन डिस्टेंस, सर्टन दूरी आप चल के आए होंगे, मतलब पैदल होंगे, बाइक से होंगे, किसी भी सर्टन डिस्टेंस को कवर किया होगा ना, तो वो होता है दोस्तों डिस्टेंस। तो किसी पॉइंट से किसी पॉइंट को मेजर करना हमको डिस्टेंस कहलाता है। अब यहां पे क्या है, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, मीन्स दैट डायरेक्शन के साथ साथ डिस्टेंस भी डाल दिया है। अब आपका क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो गया, आपको माइंड में डायरेक्शन भी देखना है। अगर मैं ये कहूं कि आप मेरी क्लास अगर ऑफलाइन चल रही है, बेंगलोर में चल रही है मान लीजिए, फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूं दोस्तों ये बताइए कि आप मेरी क्लास करने के लिए कितनी दूरी तय करके आए और कहां कहां से डायरेक्शन चेंज करके आए, तो आप बोलेंगे सर मैं अपने घर से साउथ की तरफ निकला, वहां से 5 किलोमीटर मैंने लिया नॉर्थ, फिर 7 किलोमीटर ऐसे लिया, फिर मैं आपके घर पहुंच गया, ये होगा ना दोस्तों। तो वही है डिस्टेंस और डायरेक्शन का। लेकिन हमें दोस्तों एक चीज ध्यान देनी पड़ती है, क्या है कि अगर हमें क्वेश्चन में एंगल दे दिया गया हो तो क्या करेंगे, मीन्स दैट कि अभी हमें क्या दिया हुआ है कि जस्ट छोड़िए, वो थोड़ा सा एडवांस वर्जन है, मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा, पहले हम एक क्वेश्चन करते हैं। देखिए, राम मूव फ्रॉम पॉइंट ए टूवर्ड्स बी 5 किलोमीटर ईस्ट एंड then turn 10 किलोमीटर in south and then 4 किलोमीटर in west, ठीक, determine the direction of Ram, ठीक। अब दोस्तों क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि राम मूव फ्रॉम पॉइंट ए, पॉइंट ए से राम मूव करता है टुवर्ड्स अ पॉइंट बी 5 किलोमीटर ईस्ट में, ठीक है, राम ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ मूव करता है और वो दोस्तों 5 किलोमीटर मूव करता है और किस डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन में, ठीक है, एंड देन टर्न टू 10 किलोमीटर इन साउथ, वहां से वो बी पॉइंट से साउथ तक मूव करता है, एंड देन 4 किलोमीटर टू वेस्ट,
डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ द राम। अब आपको दोस्तों ये बनाना है, अब सबसे पहले क्या ढूंढेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते समय अगर आप ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, किसी बुक से पढ़ रहे हो, तो अपने हाथ में एक पेंसिल लीजिए या पेन जो भी आपके पास है वो लीजिए, और जो जो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट लग रहा है उसको अंडरलाइन करते रहिए, ठीक है। देखिए क्या है, राम है, कौन है, राम पॉइंट ए से मूव कर रहा है टुवर्ड्स द पॉइंट बी, कितना 5 किलोमीटर ईस्ट में, देन टर्न टू 10 किलोमीटर इन साउथ, देन टर्न टू 4 किलोमीटर इन वेस्ट। आपको क्या बताना है, डायरेक्शन बतानी है इसकी, राम की। अब क्या कीजिए, पॉइंट ए अज़ूम कीजिए, जैसे मैंने आपको बताया था ए पॉइंट अज़ूम कर लिया, वहां से कितना करना है टुवर्ड्स बी करना है 5 किलोमीटर ईस्ट में। आप जानते हैं कि मेरे राइट हैंड साइड पे ईस्ट होता है, ठीक, कहां होता है राइट हैंड साइड पे ईस्ट होता है, तो यहां से मैंने किया 5 किलोमीटर, ठीक है, यहां पहुंच गए कहां पे, बी पॉइंट पे, एंड देन टर्न 10 किलोमीटर इन साउथ, यहां से मैं 10 किलोमीटर टर्न किया साउथ में। अब दोस्तों एक चीज आप गौर कीजिएगा कि जब भी हम यहाँ पे डिस्टेंस बनाते हैं तो ये तो ठीक है कि हम स्केल से लेकर तो बैठेंगे नहीं कि हाँ चलो 5 किलोमीटर स्केल से लेके चलो, नहीं, हमें खुद अपना परसेप्शन रखना होगा ये चीज कि ठीक है अगर मैं 5 बना रहा हूं इतना है तो 10 थोड़ा सा उससे बड़ा होगा, ठीक, अगर मैं 5 इतना बना रहा हूं तो अगर मैं 2.5 बना रहा हूं तो वो इतना आधा होगा, ये अपना परसेप्शन रखना कि हाँ जितना बना रहे मेजरमेंट अकॉर्डिंग टू दैट। क्यों, कि मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि फ्रेंड्स कि अगर मैं 5 इतना बना दिया और 10 में इतना बना दिया तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ये तो लॉजिकल है अपना, मतलब ये तो कॉमन सेंस की बात है, ठीक है, तो इसको आप गौर कीजिएगा। चलिए 10 तक साउथ पहुंच गए, देन 4 किलोमीटर इन वेस्ट, अब यहां से दोस्तों वेस्ट क्या है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ नॉर्थ, यहां से वेस्ट आया कितना 4 किलोमीटर, दोस्तों 5 ये है तो इससे थोड़ा सा कम होगा यहां पे, देखिए थोड़ा सा कम यहां पे, अब यहां पर क्या 4 किलोमीटर, ठीक। अब बोल रहा है कि डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ द राम फ्रॉम पॉइंट बी, बी से, बी से इसकी डायरेक्शन डिटरमाइन कीजिए। अब दोस्तों ये फाइनल पोजिशन होगी ना ए डैश, अब दोस्तों देखिए बी यहां है, ठीक है, ये बी है, ठीक, अब बी से हमें बताना है कि ए की डायरेक्शन क्या होगी। दोस्तों तो फटाफट ये करिए कि बी में एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर दीजिए प्लस, ठीक है, ये ऐसे लाइन ड्रॉ कर दीजिए फटाफट, ठीक, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया वेस्ट और ये हो गया साउथ, फटाफट आपने ये ड्रॉ कर दिया। अब आप देखिए जो ए है वो ए इससे कैसे है, ये ऐसे डॉटेड लाइन अगर मैं बनाऊंगा तो ये ए ऐसे है ना, मीन्स है कि ये ए साउथ और वेस्ट के बीच में आ रहा है, किसमें आ रहा है, साउथ और वेस्ट के बीच में। दोस्तों फटाफट ये बताइए कि इसकी डायरेक्शन क्या होगी, क्या इसकी डायरेक्शन वेस्ट साउथ होगी, क्या नहीं ना, इसकी डायरेक्शन होगी साउथ वेस्ट। तो ए की जो फाइनल पोजीशन है वो इसका आंसर आएगा साउथ वेस्ट, ठीक है, क्या आएगा साउथ वेस्ट आएगा। तो ए की जो फाइनल पोजिशन है ए वो साउथ वेस्ट है बी के, ठीक है, समझ में आ गया इतना। दोस्तों ये होता है बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, ठीक है, अभी जो एडवांस क्वेश्चन आएगा उसमें क्या होगा कि ए की फाइनल पोजीशन इसका डिस्टेंस पूछ लेगा, फिर यहाँ पे एंगल भी आ जाएगी, फ्रॉम द पॉइंट बी ए टर्न्स 90 डिग्री टुवर्ड्स द वेस्ट या 270 डिग्री इतना या 145 डिग्री इतना। तो दोस्तों ये जो मेजरमेंट है इसको भी हमें सीखना पड़ेगा, ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं, साथ साथ में कल आपको जो अगला वीडियो जो आएगा मेरा उसमें आपको जरूर बताऊंगा कि कैसे डायरेक्शन के साथ साथ हम एंगल्स में भी डील करते हैं, डिस्टेंस डायरेक्शन कैसे कॉम्प्लिकेट होता है, कुछ कोडिंग भी है इसकी, मतलब चाइनीज कोडिंग के साथ इसको डायरेक्शन डिस्टेंस भी करते हैं, वो मेंस में आता है, ये आपका प्री लेवल है, ठीक है दोस्तों, तब तक इस पर प्रैक्टिस कीजिए, समझिए बेसिक, फिर मैं आपके साथ आपके लिए नया वीडियो लेके आता हूं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।